जय भीम साथियों, आज आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा, आज आपको ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हमारे मसीहा ने, हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी होगी। जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ये एकदम सच्ची कहानी है, किसी व्यक्ति के ऊपर बीती हुई कहानी है। ये वो कहानी है कि अगर आपके अंदर दिल होगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे बाबा साहेब ने वो जातिगत व्यवस्था को बदला होगा, वो जातिगत तंज, वो गुलामी बाबा साहेब ने कैसे छुड़ाई होगी। जरा गौर से सुनिएगा इस कहानी को और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को बाबा साहेब की सच्ची कहानी पता लगने पाए। बाबा साहेब बहुत छोटे थे, एक समय की बात है कि बाबा साहेब की उम्र मात्र 5 साल थी, और बाबा साहेब जब 5 साल के थे तो बाबा साहेब की मां भीमाबाई तबीयत बहुत नासाज थी, और उस छोटी सी उम्र में बाबा साहेब को उनकी मां छोड़कर चली गई। इस दुनिया से बाबा साहेब को उनकी मां छोड़कर चली गई, मात्र 5 साल की उम्र थी। आप सोचिए कि किसी बच्चे के सर से अगर मां का साया उठ जाए तो क्या वो अच्छे से अपने जीवन को जिएगा, क्या उसे वो प्यार मिल सकता है जो मां प्यार देती है। मात्र 5 साल की उम्र थी साथियों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। 5 साल की उम्र थी, पिता सूबेदार राम जी सकपाल जी, उनके मन में ये बात आई कि अब मेरे बेटे भीमा की उम्र हो चुकी है पढ़ाई की, शिक्षा जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहेब के पिता बाबा साहेब को एक स्कूल के अंदर दाखिला करवाने के लिए लेकर पहुंचे। स्कूल के अंदर गए, प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल बाबा साहेब को देखकर बहुत खुश हुआ कि बहुत छोटा सा बच्चा, गोल मटोल सा और दिखने में बहुत सुंदर था। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और उसने फॉर्म निकाला, पर्चा निकाला और बाबा साहेब का दाखिला करने के लिए वो फॉर्म भरने लगा। बाबा साहेब का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, पता पूछा, लेकिन जब पूछा फॉर्म के अंदर वो स्थान आया कि आपकी जाति क्या है, और जब बाबा साहेब के पिता ने बताया कि हम महार जाति से हैं, जब बाबा साहेब के पिता सूबेदार राम जी सकपाल जी ने बताया कि हमारी जाति जो है वो महार है, महार जाति जिसको एक पुस्तक मनुस्मृति के अंदर शूद्र वर्ण में रखा गया, नीच जात बताया गया, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं ना कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ जातिगत अधिकार था। बाबा साहेब की उम्र 5 साल थी, बचपन में सर से मां का साया उठ गया, पिता ने पढ़ाने का सोचा क्योंकि उनके बहुत सपने थे बाबा साहेब को लेकर, पढ़ाने को सोचा। तो जब पता लगा प्रिंसिपल को कि वो बच्चा जो बहुत अच्छा दिखने में था लेकिन वो महार जाति से था, उसका ये कसूर है क्योंकि वो नीची जाति से था, यह उसका कसूर है, इसीलिए उसे विद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा, और उसका फॉर्म फाड़ कर फेंक कर और स्कूल के चपरासी को प्रिंसिपल ने आवाज मारकर बुलाया और बाबा साहेब को और उनके पिताजी सुबेदार राम जी सकपाल जी को धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकलवा दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो जाति से महार जाति के थे। आप सोचिए, वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं, हमारे रहबर थे, हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीती होगी, बचपन में सर से मां का साया हट जाता हो सिर्फ मात्र 5 साल की उम्र में। जाति से महार थे तो नाई बाल भी नहीं काटता, बहुत सारी चीजें झेली बचपन में, जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला। सोचिए कि कैसे बाबा साहेब ने व्यवस्था परिवर्तन किया होगा, कैसे बाबा साहेब ने वो जाति जो गुलामी हम पे थोपी गए हजारों साल की, वो गुलामी कैसे काटी होगी। जरा सोचिए, आज हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाते हैं। बाबा साहेब को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिला, लेकिन हम जिस स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले फैसिलिटी चाहिए होती है, वरना हम स्कूल में दाखिला नहीं करवाते हैं खुद। अगर स्कूल में अच्छी लाइट नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे, अगर स्कूल में एसी नहीं है, पंखे नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पानी नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छी बात है, बाबा साहेब कह के गए के एक वक्त का खाना चाहे कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। वो इसीलिए क्योंकि शिक्षा का बहुत महत्व था,
लेकिन वो बच्चा रुका नहीं, स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सोचिए जिस बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला भी नहीं मिला, उस बच्चे की वजह से आज आपके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पंखे लगे हुए हैं। बाबा साहब को तो दूर से पानी जो है डाला जाता था, लेकिन आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप देखते हैं कि हमारे बच्चे को हम एक्वाफिना पिलाएंगे, हमारे बच्चे को हम बिस्लरी पिलाएंगे। अच्छी बात है, बाबा साहब हमें देके गए वो सारी चीजें, तो उन अधिकारों का हमें फायदा भी लेना चाहिए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कितनी कुर्बानियों से, कितने संघर्षों के बाद ये सारी चीजें हमको मिली। आज हम लोग बड़े बड़े सेठ हो गए, आज हम लोगों को उस व्यक्ति का नाम लेने में शर्म आती है, शर्म आती है। क्यों हम किसी को बताएं कि हमारे मसीहा कौन थे? ये चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिली है, बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान हुआ है इन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए। आज इस देश में बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति इस देश का सबसे अमीर इंसान बना, और बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रिकेट का भगवान बना। लेकिन इस चीज को चीख चीख के नहीं बताया जाता कि क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई करने वाला बच्चा, जिसको 5 साल की उम्र में सिर्फ जाति के नाम पर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, वो बच्चा इस देश का संविधान निर्माता बना, यह कभी नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी जातिगत मानसिकता लोगों के दिमाग में है, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाति को खत्म करने की लड़ रहे हैं, इस देश में समानता लाने की लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब हमेशा लड़े। बाबा साहब इस देश में इक्वालिटी चाहते थे। बाबा साहब ने बचपन से सुख का मुंह भी नहीं देखा। सोचिए ना, जिसके सर से मां का साया उड़ जाता हो बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत जल्दी शादी हो गई, लेकिन समाज सेवा का ऐसा जुनून सर पे सवार था, ऐसा जुनून सर पे सवार था, वो चाहते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीजें भोगने को ना मिले जो वो भोग रही है। जो चीजें उन्होंने सही वो मेरी आने वाली पीढ़ी ना सही, इसीलिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, विदेश गए, विदेश में पढ़े, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए हर जगह आवाज उठाई। लेकिन हमारे लोग आज गर्व से अपने आप को अंबेडकरवादी कहने में शर्म आती है लोगों को। कभी कभी सोचता हूं कि बाबा साहब ने इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ी, किसके लिए लड़ी? क्योंकि जिनके लिए आज लड़ाइयां लड़ी वो लोग बाबा साहब को भूल चुके हैं, वो लोग भूल चुके हैं कि कितनी मुश्किलों से ये कारवां यहां तक पहुंचा, और आज लोग इस कारवां में चलने को तैयार नहीं है। वो भूल चुके हैं कि अगर आज आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर हालात वही होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सिर्फ जाति के नाम पर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जब बाबा साहब का बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था, कफन के लिए पैसे भी नहीं थे, मां ने साड़ी का पल्लू फाड़ गड़वाया था। लेकिन आज अगर आपके बच्चे के पेट में हल्का सा दर्द भी होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको याद आते हैं, और जिसमें आप डोनेशन के नाम पर बहुत सारी फीस पहले से जमा कर देते हैं कि नहीं मुझे मेरे बच्चे का इलाज सही चाहिए, और बाबा साहब देके गए। लेकिन हम लोग भूल चुके हैं उस महान व्यक्ति को, कितनी मुश्किलों से ये कारवा बाबा साहब ने यहां तक पहुंचाया। बाबा साहब ने उस समय कुछ किया, मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं कि बाबा साहब ने उस समय कुछ किया, तो इसलिए कि ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा देख सके, जो आज हम आप उस सुख को भोग रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है जंजीरों में जकड़ी पैदा होगी, गुलाम पैदा होगी। याद रखिएगा, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। और बाबा साहब चले, और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जिसके अंदर सभी को इक्वालिटी, समानता दी, जिसके अंदर सभी को यह लिखा कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं तो उसे सरकार पढ़ाएगी, अगर किसी के पास खाने को पैसे नहीं तो उसे सरकार खिलाएगी, जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम पे आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये बाबा साहब देके गए। लेकिन आज चीजें वही हो रही, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं। लेकिन हमारे लोग जिन्होंने दिया उस व्यक्ति को भूल चुके हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। सोचेगा मैंने क्या क्या ज्ञान, विचार कीजिएगा इस बात पे,
और गहराई से सोचेगा कि क्यों मैं इतना चीख चीख के आप लोगों को बार बार ये बात कहता हूं कि बाबा साहेब की मूवमेंट में चलिए, बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाइए। अरे यार, हम तो वो लोग हैं कि अगर किसी ने इतना सा भी एहसान हमारे ऊपर किया तो हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, लेकिन भूल रहे हम क्यों बाबा साहेब को भूल रहे? मत भूलिए, सोचिएगा कि मैंने क्या कहा, इस पर विचार कीजिएगा और लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाइएगा जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाता। बाबा साहेब का नाम घर घर तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से आप भागिएगा मत, मत भागिएगा साथियों, मत भागिएगा। बाबा साहेब भी भाग गए होते तो आपको हमको ये जिंदगी नसीब नहीं होती जो मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हम जी रहे हैं। जय भीम, जय भारत।